أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده وتنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بنی اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے کی یہ 25ویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اس لحاظ سے اب وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ تمام وہ مسائل جو اس سورے سے متعلق ہیں وہ یقیناً زیر بحث نہ آ سکیں گے اس لیے کہ یہ میری دلی تمنا ہے کہ جو حضرات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جس کسی مسئلے کو سمجھیں تو اس طرح سے کہ سارے تفاصیل کے ساتھ وہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے میں نے یہی کوشش کی ہے اور اب بھی اس آئے وافی ہدایہ کے سلسلے میں میری کوشش یہی ہوگی کہ میں امہات مسائل پر
आपसे गुफ्तगू करूं। एक बात जहां से आज तकरीर को शुरू होना चाहिए और जिस पर आपकी तवज्जो लाजिमी है वो ये है कि बदवे आदम आलम से दीन है। अगर इस कायनात का कोई खालिक है और अगर उसकी बंदगी मखलूक पर लाजिम है तो यकीनन उसने अपने लुत्फ से उन बंदों को भेजा होगा जो दूसरे बंदों को उस दीन की तरफ बुलाए। चुनांचे वजाहत कर दी गई सामर की के दुनिया कभी दीन से खाली नहीं रही और कुरान मजीद पर अगर मिल्लत मुस्लिमा का इजमा है कि ये किताब मिनल्लाह है और हक है तो कुरान ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की इंदियत में जो दीन है वो इस्लाम है। और आयत खत्म नहीं हुई, पूरी आयत सुनिए इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख तलफल लजीना उतुल किताब इल्ला मिन बाद माजाहुमुल इल्मो बगयन बैनहुम, और जिन जिन को हमने किताब दी थी उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया मगर अपनी जाती दुश्मनी, अपने जाती इनाद और अपनी बाहमी बगावत व अदावत की बिना पर ये इख्तलाफात हुए। दीन में इख्तलाफ नहीं था, दीन एक था और साहिबान किताब यानि तौरात व ज़बूर व इंजील व सुहफ़े मूसा व सुहफ़े इब्राहीम जितने भी आए थे उन सब के लिए दीन एक था। मगर इख्तलाफ उस वक्त हुआ जब साहिबान किताब अपनी बाहमी अदावत और अपने आपस की दुश्मनी से जब एक दूसरे को बुरा समझने लगे तो उस दिन से इख्तलाफ रुनुमा हुआ। उस इख्तलाफ का नतीजा ये था कि एक दूसरे के दीन से बेजार हो गया और इस तरह दीन हक आहिस्ता पर्दे में नहा होता चला। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की इंदियत में जो दीन है वो इस्लाम। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबीजीन, यही वो लोग थे कि अल्लाह ने अंबिया में से इन पर अपनी नेमतों को नाजिल किया था। मिन ज़ुर्रियत आदम, आदम की औलाद में से व मिम्मन हमलना मानूहिन, और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। व मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इसराइला,
और इब्राहिम की जुर्रियत में और इसराइल की जुर्रियत में व मिम्मन हदैना वजतबैना और उन सब में से जिनकी हमने हिदायत की और जिनको हमने मुजतबा किया अपनी नेमतों से सरफराज किया ये वो बंदे थे कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया जब इनके सामने आयात इलाही की तिलावत की जाती थी तो रोते रोते सजदों में गिर पड़ते थे। ये आदम की ज़ुर्रियत, ये नूह के साथ कश्ती में आने वाले, ये इब्राहिम और इस्माइल की औलाद, ये वो बंदे जिनको हमने मुज्तबा किया, ये बंदे जिनको हमने हिदायत दी, ये सब बंदे वो थे कि जब हमारी आयतों की तिलावत की जाती तो ये सजदे में गिर पड़ते। मगर हुआ क्या, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ इनके बाद बुरी नस्लें पैदा हुई। नतीजा क्या हुआ, अज़ाउ सलात, इन्होंने नमाज को गारत कर दिया। अज़ाउ सलात व तबउ शहवात, शहवतों में मुब्तला हुए, नमाज को गारत किया, नमाज को जाया किया। नमाज आदम के साथ है, नमाज नूह के साथ है, नमाज इब्राहिम के साथ है, नमाज इसराइल की औलाद में है और नमाज मुश्तबा बंदों के साथ है, नमाज हिदायत याफ्ता बंदों के साथ है। मगर जब नस्लें बिगड़ गईं और आपस में इख्तलाफ शुरू हुआ तो अज़ाउ सलात, इन लोगों ने नमाज को जाया किया, नमाज को जाया किया। जाहिर है जब नस्लें बिगड़ती चलीं और हम ये देखते चले कि पैगाम हक नुकसान उठा रहा है, हमने भी कोशिश ये की, वहीं यकफुर बिहा उलाए कि अगर ये लोग नबी से अपने काफिर हो जाएं, फकत वक्तल्ला बिहा कौमन लैसू बिहा बेकाफरीन, हमने भी हर नबी के साथ एक कौम को मुकर्रर कर दिया जो कभी काफिर नहीं हो। देखिए नमाज पे बहस जारी है और मैं चाहता था कि ये बहस पूरी तरह से आप समझ लें। दीन एक है और वो दीन इस्लाम, इन्नत दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, उसी दीन के साथ आदम आए, उसी दीन के साथ वो लोग आए जो नूह के साथ कश्ती में सवार हुए, उसी दीन के साथ इब्राहिम और इसराइल, इस्माइल का नाम नहीं लिया है क्योंकि इब्राहिम की दो शाखें चल रही हैं, एक बनी इस्माइल एक बनी इसराइल, तो चाहता मैं वो मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम व इसराइला, इब्राहिम और इसराइल की ज़ुर्रियत में। यह आयत सूरह मरियम से पढ़ रहा हूँ, सूरह मरियम 19वां सूरह है कुरान मजीद का। तिलावत के दौरान इस आयत का ख्याल रखिए, इरशाद फरमाया कि फिर मुश्तबा बंदे थे, हिदायत याफ्ता बंदे थे, मगर इनके बाद आने वाली नस्लों ने नमाज को जाया कर दिया और शहवतों मुब्तला हो गए। जाहिर है कि ये वही लोग हैं जो अजाब को भुगतेंगे और अजाब इन पर मुसल्लत किया जाएगा। एक मरतबा यहां तक पहुंचने के बाद अब फिर बुलंदियों पे जाइए तो पता चलेगा ईसा। ईसा के मुतालिक आपको मालूम है कि मां बच्चे को लेकर सहरा से आई तो मरियम के जानने वालों ने या ज़करिया के मानने वालों ने कहा कि मरियम ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, मा कान अबू किमरा सौइन व मा कानत उम्म के बगिया, तुम्हारा बाप तो बुरा आदमी नहीं था,
نہ تمہاری ماں بدکار تھی. مریم چپ ہوئی فاشارت الیہ, مگر اشارہ بچے کی طرف کیا. تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کیسا بات کریں اس سے جو بچہ گہوارے کا ہو, جھولے کا ہو, اسے ہم بات کیا کریں. قالا, ایک مرتبہ بچہ گویا ہوا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وہ جعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی قرار دیا گیا. وہ اوسانی بالصلاتی والزکاۃ, مجھے وصیت کی گئی, حکم دیا گیا کہ نماز ہو اور زکات ہو, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں. عیسیٰ کے زمانے میں بھی نماز ہے, زکات ہے. عیسیٰ کے زمانے میں بھی نماز ہے اور زکات ہے. وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور میں اپنے ماں کے ساتھ نیکی کروں, یہ بھی حکم ہے, اور میں کبھی جبار اور شقی نہیں بنوں گا. اب اور اوپر مریم ان کی ماں ہے, ارشاد ہوا یا ان اللہ اصطفى, سورہ آل عمران, یہ سورہ مریم و آل عمران تیسرا سورہ. ان اللہ اصطفى کے وہ تہر کے, یا مریم و ان اللہ اصطفى کے وہ تہر کے و اصطفى کے علی نساء العالمین, اے مریم اللہ نے تجھ کو مصطفیٰ کیا, طاہر کیا, اور عالمین کی عورتوں پر اللہ نے تجھ کو برگزیدگی دی. یا مریم اقنتی لربک کے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ, اے مریم قنوت پڑھ اور سجدے کر اور رکوع کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ کوئی راکعین کا گروہ ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, یہ مریم. اور اس کے بعد اور اوپر اسماعیل, حضرت اسماعیل آئے تو اپنی اولاد کو انہوں نے کہا کانا یامر اہلہ بالصلاتی والزکاتی, اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد سے کہتے تھے کہ دیکھو نماز کے پابند رہو اور زکات دو. تو زکات اور نماز یہ دونوں شرائع ما قبل اسلام میں جاری و ساری تھے اور اجزائے دین تھے. اور اس کے بعد ابراہیم, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ, پروردگار میں اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں تیرے مقام محترم کے قریب, بے آب و گیاہ وادی صحیح, مگر یہ میری اولاد نماز کو قائم کرے گی. ابراہیم اور نماز, اسماعیل اور نماز, ذریت ابراہیم و اسماعیل اور نماز, ذریت نوح اور نماز, اور آگے ذریت آدم اور نماز. تو اس طرح سے نماز پڑھنے والوں کا ایک طبقہ ہے, ایک طبقہ ہے, اور اسی واسطے پہلی وحی جس دن آئی اس دن یہ ارشاد ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے ساتھ ہی ارائیت الذی ینہا عبدن اذا صلا, تو نے دیکھا اس کو جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے تو روکتا ہے. ابھی نماز کے تشریح ہونے کا بظاہر حکم نہیں ہے, مگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی روک رہا ہے. یہ بحث کل تھی اور میں نے اتنی تمہید آج آپ کے سامنے رکھی کہ انبیاء ما سبق کی شریعتوں میں صلات کے ساتھ زکات کا بھی ذکر ہے, اور آپ کے پاس بھی جہاں جہاں یقیمون الصلات ہے یؤتون الزکات. نماز زکات, نماز تا
तलब है, ज़कात नजर है, नमाज दुआ है, ज़कात कुर्बानी है। तो इस तरह से कुछ लो तो कुछ दो, और ये हर नबी के साथ है, हर नबी की उम्मत के साथ है। मगर यही जो उम्मतों ने आपस में इख्तलाफ किया, दीन को तबाह करने की कोशिश की, और ऐसी औलाद आई, फखलफा मिन बादेहिम खल्फुन अज़ाउ सलात, उन्होंने नमाज को जाया किया। ये और बात है कि ये नमाज शरीयत मूसवी में इसकी सूरत मुमकिन है कुछ हो, शरीयत इब्राहिमी में इसकी सूरत कुछ और हो। फराद के एतबार से, उठने बैठने के एतबार से, आदाब तहारत के एतबार से, मुकदमात के एतबार से मुमकिन है कुछ और हो, मगर असल नमाज का वजूद है। मगर ज़कात के मुतालिक तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए कि वह तो देना है, देना है। अब वो अल्लाह की राह में देना है, कुर्बानी देना है, अल्लाह की राह में उसके हक को अदा करना है, उसके दूसरे बंदों को देना है। तो ज़कात इंसानों की भीट नहीं, यानी ये नहीं कि बुतों के सामने ले जाके इंसान को कत्ल कर दिया कहा ज़कात है, नहीं, ये इख्तलाफ का नतीजा है कत्ल। इख्तलाफ जहां दीन में पैदा हुआ वह इंसानों को कत्ल किया गया, मगर जब इन इख्तलाफ नहीं था तो ज़कात है कि दो, अल्लाह की राह में दो ताकि तुम्हारा माल पाक हो, ताकि उसमें नमू पैदा हो, ताकि माल में इजाफा हो। तो ये नमाज और ज़कात हर दौर में, हर दौर में। तो इस तरह से जब वो जमाना आया जहां पैगंबर ये कहते हैं लकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून, मेरी तो एक उम्र गुजरी है नबुव्वत से पहले तुम में, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। तो ये एक चैलेंज था कि अगर तुम में से किसी ने अपनी आदतों पर मुझे कारबंद देखा हो, या अपने रस्मों का मुझे पाबंद देखा हो, या अपने तरीके इबादत में मुझे शरीक पाया हो, या अगर तुमने अपने मुख्तलिफ तरीक़ाए हयात में जिसको तुमने इख्तलाफ की वजह से दीन को ज़ाया करके उसमें नई नई चीज़ें पैदा की, अगर उसका मुझे तुमने पाबंद देखा हो तो तुम्हारे लिए साफ मौका था कि मोहम्मद आज हमको रोकते हो और नबुव्वत से 40 साल तक, नबुव्वत मिलने तक तो तुम्हारा भी अमल यही था, तुम भी यही करते थे, इसी तरह से बुत परस्ती थी, इसी तरह से नजराने चढ़ते थे, इसी तरह से तुम तवाफ करते थे, इसी तरह से तुम हमारे रसूम को अदा करते थे, इसी तरह से लातो मनातो उज्जा को मानते थे, इस्तफीकुम उमरम मिन कबले ही, मैं तो सारी उम्र तुम में गुजार चुका हूँ, 40 बरस, 63 साल कुल उम्र, जिसमें 40 बरस को दलील बनाया 23 बरस पर, कि 40 बरस तुम में गुजारा, अभी अकल से काम नहीं लोगे, कहना है तो कहो, कहना है तो कहो क्या आप ऐसे थे, मगर नहीं, नहीं, मैं उस जमाने माकबल नबुव्वत में भी उसी दीन पर था, उसी शरीयत पर था कि जहां तहारत फिक्र तहारत नफ्स मेरे साथ थी,
नबुव्वत ने मुझे ताहिर नहीं किया। मबऊस होने ने मुझे पाक नहीं किया, जैसे कि तुम लोग मुशरिक कलमा पढ़ के पाक होते हो। मैं पहले से ताहिर था, मैं पहले से पाक था, इसलिए कि मैंने किसी सनम को किसी वसन को सजदा नहीं किया। और मैंने नहीं किया, मेरा सिन 40 बरस का है, 40 बरस का। तो अब मैं किसी को अगर अपना साथी बनाऊं और वह कम सिन बच्चा हो तो उसके बचपन का क्यों जिक्र किया जाए? इसलिए कि बचपन में भी कभी उसने तुम्हारी तरह न इबादत की, न तवाफ किया, न इस तरह से रस्में अदा की, न तुम्हारे वो कारोबार में शरीक रहा। वो तो मेरे साथ रहा, मेरे सीने में रहा। वो तो मेरे साथ रहा है, वो मेरे सीने पे सोता रहा है, उसने मेरे सीने पे परवरिश पाई है, मेरे बिस्तर पे आराम किया है, मेरे साथ साथ रहा है। उसकी आदतें वही हैं जो मेरी आदतें, मेरी आदतें। इस वास्ते उसके लिए तो तसव्वुर कुफ्र का नहीं है, तसव्वुर कुफ्र का नहीं है। और मेरे लिए अगर किसी मुसलमान कलमा गो ने ये कहा कि नबुव्वत से पहले खाकम बदहन कुफर था तो उसका इस्लाम बातिल है। अगर कोई पैगंबर के लिए कब्ल बेअसत नबुव्वत कुफर की गुफ्तगू करे तो उसका इस्लाम खदशे में है। नहीं, वो अपनी उसी शरीयत पर है कि जो दीन इलाही मुसलसल सिलसिले के साथ आ रहा है नस्लन बाद नस्लें, और पैगंबर खातम अमल कर रहे हैं। तो अब जब यहां तक गुफ्तगू आई तो फिर वापस इब्राहिम की औलाद में इस्माइल इसराइल दोनों का हुक्म है नमाज का। इस्माइल वसीयत करते हैं अपनी औलाद को नमाज की और ज़कात की। औलाद इस्माइल में हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं। औलाद अब्दुल मुत्तलिब में अबू तालिब और अब्दुल्ला हैं। देखिए अंजाम कार पर यह कहना कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ये और बात, ये और बात। इसलिए कि जाहिर है कि हमेशा जिनको किताब दी गई है उन्होंने इख्तलाफ किया है अपनी बगावत की वजह से, अपनी अंदरूनी अदावत की वजह से इख्तलाफ किया है, ये और बात। मगर क्या अबू तालिब के लिए भी किसी ने ये कहा, अबू सुफियान ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने, क्या हो गया अबू तालिब? कल तक तो तुम लातो मनातो उज्जा को मान रहे थे। अरे कई मर्तबा तो तुमने इंसानों की कुर्बानी दी, कई मर्तबा इंसान का लहू तुम्हारी पेशानी पर आया, अक्सर मकाम पर हमने तुमको बरहना तवाफ करते हुए देखा। कोई है नहीं, आखिर में कहना मरने के बाद कि कलमा नहीं पढ़ा अबू तालिब ने, वो और बात है। मगर पैगंबर का जो इस्तेदलाल है वो ये कि मेरी माँ सबक जिंदगी से मेरी माँ बाप की जिंदगी पे इस्तेदलाल करो। बिल्कुल उसी तरह अबू तालिब की उस जिंदगी को देखो, उस जिंदगी को देखो जो मक्के में गुजरी, मक्के में गुजरी। और अबू तालिब की जिंदगी मुख्तसर नहीं है, मुख्तसर नहीं है, 50 साल तो नबी की हिफाजत की है। पचास
50 बरस नबी की हिफाजत की और कबीर उस्सिन होकर बहुत ज़ईफ होकर इन्होंने रहलत की अबू तालिब। तो लिखने वाले दास्तान गोई के लिए बहुत सी बातें लिख सकते थे कि वो उस गजबे में अबू तालिब या उस जंग में हमारे साथ हरबे बसूस में थे, जाहिलियत की लड़ाइयों में थे, जाहिलियत की रस्मों में थे और इस तरह से इन्होंने भी नजरें दी थीं, बुतों को चढ़ावे चढ़ाए थे, बुतों के लिए इन्होंने मन्नतें मानी थीं। किसी मकाम पे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा और ऐसा मालूम हुआ कि एक मर्तबा नबी साहब वही हुए और लोगों ने अबू तालिब से कहा कि ये क्या कह रहा है आपका भतीजा, ये भतीजा आपका क्या कह रहा है, आप इस भतीजे को समझाते क्यों नहीं है। तो अबू तालिब ने कहा अलम तालमू, क्या तुमको इल्म नहीं है, हमारा बच्चा कभी हमारे घराने में झूठ लाया नहीं। देखिए लव मुकज्जब, मुकज्जब यानी बच्चा झूठा है या नहीं कहा, हमारा बच्चा झूठा नहीं है या नहीं कहा, ये कहा कि हमारा बच्चा कभी झूठ लाया नहीं गया हमारे घराने में, हमारे बच्चे की किसी ने तकजीब नहीं की। अलम तालमु अन्नबनना, ये अबू तालिब हैं कायनात अव्वलीन आखरीन में जो मोहम्मद को कहे अलम तालमु अन्नबनना, मेरा बेटा अब्दुल्लाह को तो मौका नहीं मिला कहने का। आप समझ, एक अबू तालिब ही थे जो कह रहे थे कि अलम तालमू अन्नबनना लौ मुकज्जबुन लदैना वलौ नअबा बिकौलि लबातिलि, और बातिल परस्तों की बातों की हमको परवाह भी नहीं है, तो सिवा मोहम्मद के जिसकी निगाह में सब बातिल हो। मोहम्मद के जिसकी निगाहों में सब बातिल हो, क्या कहना उसके हक परस्ती का क्या कहना, उसकी हक परस्ती का क्या कहना। यही वह मंजिल है कि जहां जहां नमाज की आयतें बनी इसराइल में आई वहां इस आयत पर यह खत्म हुआ, वो जाओ इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आया बातिल गया, बातिल को जाना ही चाहिए, बातिल को जाना ही चाहिए। इस झगड़े को बार बार उठाया नहीं जाता, नहीं उठाया जाता, मगर क्या करें अगर बेसब से गुफ्तगू मकसूद है, अगर पैगंबर के आगाज नबूवत से गुफ्तगू मकसूद है, अगर पैगंबर की मक्की जिंदगी से गुफ्तगू मकसूद है और मक्की जिंदगी के 10 बरस वही पे वही आ रही है, अक्सर कुरान नाजिल हुआ है इस दौर में, मदीने में कुछ कम सूरे बाकी रह गए हैं, 114 सूरों में से अक्सर कुरान नाजिल हो चुका है अबू तालिब के सामने, ऐसे मौके पे अबू तालिब कहते हैं अलम तालमु अन्नबनना वला मुकज्जबुन लदैना वला नअबा बिकौलिल अबातिलि वमीज़ानु अदलिन, वमीज़ानु अदलिन लौ यकीसु शईरतन ववज़ानु सिदकिन वज़नहु गैरु गाइलि, मेरा बेटा तराजू है, अदल का तराजू है,
और ایسا کرا دوں جو ذرہ برابر بھی اگر اونچ نیچ ہو تو بتا دے کہ کون کس مقام پر ہے اور پھر وزان و صدقن وہ صدق کا تولنے والا جس کے خود وزن میں ذرہ برابر فریب نہیں غلطی نہیں وزان صدق میزان عادل یہ ابو طالب کے اصطلاحات ہیں ختمی مرتبہ کے لیے وزان صدق میزان عادل تو اب اس منزل پر میں چاہ رہا تھا کہ ایک بار اور واضح ہو جائے تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں وہ یہ کہ ممکن ہے شریعت موسوی میں نماز کی صورت کچھ اور ممکن ہے شریعت ابراہیمی میں نماز کے لیے کچھ اور احکام یا زیادہ رکعتیں ہوں مگر معراج کی آیت کے بعد اس حکم کا آنا یہ بتلاتا ہے کہ جب معراج میں گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے کہ میری امت کمزور ہے میری امت کمزور ہے تعداد نمازوں کی کم ہو جائے اور موسیٰ نے سفارش کی امام سید الساجدین صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں زید شہید کو کہ میرے جد نے ایک نبی اولو العزم کی سفارش کو رد نہ کرنا چاہا وہ سفارش جو خود پیغمبر کی امت کے لیے ہو رہی تھی اور اس لیے معروضہ کیا کہ اگر کمی ہو تو بہتر ہے کہا ہاں اب پانچ نمازیں ہوں گی پچاس کی جگہ پانچ نمازیں ہوں گی مگر اس شرط سے ہوں گی من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا ہر نیکی کا بدلہ دس نیکیوں میں جائیں گے پانچ کوئی پڑے گا تو پچاس کا ثواب اور اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد مانگو صبر سے اور صلات سے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ گراں ہیں بہت گراں ہیں مگر خضوع و خشوع رکھنے والے ہمیشہ مدد مانگتے ہیں صبر سے اور صلات سے مدد مانگتے ہیں عجیب بات سواد مرموز ہے سواد والقرآن ذی الذکر محی الدین عربی کہتے ہیں اسماء ختمی مرتبت میں ایک نام ہے سواد سواد قرآن کی قسم سواد سورة محمد ہے دیکھئے صبر اور صلات دونوں سواد سے ہیں اور مدد مانگو صبر اور صلات سے بلاغت قرآن دیکھئے مدد مانگو صبر سے اور صلات سے اب اگر کوئی مجسم کہیں صبر ہو میں تعویل پہ بحث نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے عقل سے اپیل کر رہا ہوں صبر سے مدد مانگو وَاسْتَعِينُوا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں حکم رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر و صلاة سے مدد مانگو صبر ارشاد فرمایا اپنے آپ کو آزمائش میں لا کر اپنے آپ کو ابتلا کی منزل پر لا کر ثابت قدم رکھنا
मासूम फरमाते जैसे हालत सौम। इसलिए सब्र का दूसरा नाम सौम, फिर स्वाद। इसीलिए आप देखते होंगे आप सलात और सौम नहीं कहते लुगत में, ये अपनी गुफ्तगू में सौम और सलात कहते हैं। पहले सौम फिर सलात। पैगंबर फरमाते हैं सौम सौम मुश्किल है, मुश्किल है उस पर क़याम, मुश्किल है उस पर क़याम, मगर ये कि वो जो मेरा हो जाता है, वो जो मेरा हो जाता है, वो जिसको मैं पसंद हूं, वो सौम को कभी तर्क नहीं करेगा। अब फिर एक मरतबा तस्करा, अब तक ये गुफ्तगू थी सलात पहले है, ज़कात पहले है, और सौम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजे को इस तरह से वाजिब किया है जैसे तुमसे पहलों पर रोजा वाजिब था। तो अब सौम भी है, सलात भी है, ज़कात भी है। देखा आपने, शरीयत एक धारा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो तकमील पर जा रहा है। ये शरीयत कामिल होते जा रही है, उस दिन जाके कामिल होगी। अल यौम अकमल लकुम दीनकुम। सौम पहले से है, सलात पहले से है, ज़कात पहले से है। कल फुर्सत मिलेगी तो अर्ज करूंगा जिहाद किताब कुरान मजीद में आयतें मौजूद हैं कि अंबिया के साथ कितने उनके अहबाब थे जिन्होंने जिहाद में शिरकत की। एक मशहूर आयत, और फिर आपके पास तो खुली आयत मौजूद है, कतला दाऊदो जालूता, और दाऊद ने जालूत को खुली जंग में कत्ल कर दिया। तो जिहाद भी है पहले, जिहाद भी है पहले। इब्राहिम ने घर बनाया है और आवाज आ रही है तहिरा बैतिया लिताएफीन वलाकफीन, बाप बेटे मिलके मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों के लिए ताहिर करो, हज भी आए। अब आप देख रहे हैं, यानी सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, सिर्फ सूरतें बदली होंगी, कुछ फॉर्म में तब्दीली होगी, आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल किया जा रहा है। यानी हुरूफ तहजी पहले से है, अब बच्चे को हुरूफ तहजी पढ़ाइए और फिर मुफरत लफ्ज़े पढ़ाइए, मुरक्कब जुमले पढ़ाइए, कवायद बतलाइए, और उसके बाद जैसे जैसे कमाल पे पहुंचे तो जबान का अदीब बना दीजिए, मगर हुरूफ तहजी से तो बाहर नहीं है। तो दीन की बुनियाद मौजूद है, इन दीन इन अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम, और फिर नमाज रोजा हज ज़कात जिहाद, इन सब उमूर पे गुफ्तगू हो चुकी, इन सब उमूर पे गुफ्तगू हो चुकी कि पहले से किसी न किसी सूरत में ये मौजूद हैं, और उसके बाद ये सारे अज्जा हैं इस्लाम के, इस्लाम के, और इस्लाम दीन हक है, दीन हक है। तो अब जहां कहीं भी ये अज्जा होंगे इस्लाम होगा, इस्लाम होगा। कबल नबुव्वत 40 बरस इस्लाम रहा,
नबी से पहले उनके घर में इस्लाम रहा, उनसे पहले उनके अजदाद के पास इस्लाम रहा, मगर नबी कुछ और कहते हैं। नबी कहते हैं बेसत है तो नबी पहला मुस्लिम है, अब वलियत किसी और के लिए नहीं है, इसलिए पहले कौन मुसलमान हुए, पहले कौन मुसलमान हुए, ये इस झगड़े में आप परेशान न हो, आप परेशान न हो, नबी ने फैसला किया, कुरान ने फैसला किया कि नबी की मौजूदगी में कोई पहला मुसलमान है ही नहीं। सलाती व नुज़की व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज नमाज से शुरू है और मेरी इबादतें मनासिक नुज़की, मेरा तरीक़े इबादत, मेरा मसलक, मेरा केश, मेरा तरीक, महयाया व ममाती मेरी जिंदगी मेरी मौत, अल्लाह ही के लिए है जो आलमीन का रब है। मेरी नमाज को तुम देख रहे हो, देखो इन सलाती वो नुसकी वो महयाया वो ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी इबादतें, मेरी जिंदगी, मेरी मौत आलमीन के रब के लिए है। बेजालिक उमिरतु, इसी का मुझे हुक्म दिया गया। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, अब ये कुरान की मौजूदगी में वो कौन है बहस करने वाला कि पहला मुसलमान कौन है। कुरान की मौजूदगी में बहस होती है। قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك امرت وانا اول المسلمين اول المسلمين اگر روز عدل ہے تو نبی پہلا مسلم ہے اگر روز بعثت ہے تو نبی پہلا مسلم ہے अब वलियत किसी और के लिए नहीं है, इसलिए पहले कौन मुसलमान हुए, पहले कौन मुसलमान हुए, ये इस झगड़े में आप परेशान न हो, आप परेशान न हो, नबी ने फैसला किया, कुरान ने फैसला किया कि नबी की मौजूदगी में कोई पहला मुसलमान है ही नहीं। सलाती व नुज़की व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज नमाज से शुरू है और मेरी इबादतें मनासिक नुज़की, मेरा तरीक़े इबादत, मेरा मसलक, मेरा केश, मेरा तरीक, महयाया व ममाती मेरी जिंदगी मेरी मौत, अल्लाह ही के लिए है जो आलमीन का रब है। इसी का मुझे हुक्म दिया गया और मैं पहला मुस्लिम हूं। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, अब अगर इब्राहिम ये कहें और इस्माइल ये कहें कि तेरे हुक्म पर घर बनाया, ये हमारा अमल था, ये हमारी मेहनत थी, अब वक्त दुआ है और दुआ ये रब्बना वज्अलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हम दोनों को मुसलमान बना। वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक,
اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا کر، وابعث فیہم، اور اس ذریت مسلمہ میں مبعوث کر، رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول۔ تو مطلب یہ کہ اگر ڈیٹیریوریشن ہو گیا، اگر زوال آ چکا، اگر دین کی صورت بدل چکی، تو پھر بھی کچھ ایسے افراد موجود تھے قرآن مجید کے حکم کے بموجب کہ جو وکلاء انبیاء تھے، جو وکلاء انبیاء تھے، جو سفراء انبیاء تھے، جو اوصیاء انبیاء تھے، جو ابواب انبیاء تھے، جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اس حق کو صدق کو جانے نہ دیں گے، اسی میں ایک رسول آیا، اسی میں ایک رسول آیا۔ تو اب آپ نے دیکھا، دعا کر رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کا مسلمان، اور حضرت یعقوب اپنے بچوں کو مرتے وقت وصیت کر رہے ہیں، بچوں کو مرتے وقت وصیت کر رہے ہیں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، یعنی غیر مسلم حالت میں، غیر اسلام حالت میں کبھی موت نہ آئے، اسلام کے ساتھ موت آئے۔ تو اب یعقوب کی اولاد مسلم، ابراہیم و اسماعیل مسلم، اور پھر حضرت نوح پہلا نبی العالم، وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تسلیم کی راہوں پر ہوں، میں نے بھی تجھے تسلیم کیا ہے، میں بھی مسلم ہوں، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اب ابراہیم اول المسلمین ہیں یا ختمی مرتبہ، اسماعیل اول المسلمین ہیں یا ختمی مرتبہ، نوح اول المسلمین ہیں یا ختمی مرتبہ۔ اگر آیت صرف زمانے کے اعتبار سے ہے تو، اور اگر حقیقت کے اعتبار سے ہے تو نور کے عالم میں بھی، نور کے عالم میں بھی جب اس کو بنایا تو وہ اول المسلمین تھا، اب جب وہ اول المسلمین تھا نور، تو تقسیم ہونے سے پہلے اول المسلمین تھا، تقسیم نہیں ہوا تھا اور اول المسلمین تھا۔ مطلب یہ کہ اس نور کی جہاں جہاں تقسیم ہے، آپ مجھے سمجھ سکے، میں پھر سمجھاؤں گا، نور تقسیم ہونے سے پہلے اول المسلمین تھا، مطلب یہ اس نور کی جیسے جیسے تقسیم ہو، اس میں کا ہر تقسیم شدہ حصہ اول المسلمین، اس معنی میں اگر آپ کہتے ہیں علی پہلے مسلمان تھے تو مجھے منظور ہے، اگر اس معنی میں کہتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، تو ایسی منزل پر وہ اس کا گھرانہ مسلم اول، تو جہاں جہاں تقسیم جا رہی تھی نور کی حیات پیغمبر میں، تو پیغمبر نے دیکھا کہ یہ نور کتنے حصوں میں تقسیم ہوا، تو پھر ایک جگہ کر کے چادر تطہیر میں بتلایا یہ سب پہلے مسلم،
کے حصوں کو ایک جگہ کیا اور جب ایک جگہ ہوتی ہیں شعائیں تو پھر اس میں جدائی نہیں ہوتی, سب ایک ہو جاتی ہیں. تو چادر تطہیر سے ایک ہی شعاع نکل رہی تھی, تھے پانچ ایک ہی شعاع نکل رہی تھی. ہم فاطمتن وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنو خداوندا, ہم کو کامل ایمان پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, مملکت پاکستان کی حفاظت.